गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं वर्ग 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4 अर्थ के आधार पर शब्द भेद से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं हमारे बच्चे इसे गौर से देखेंगे, सुनेंगे और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ एवं शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, ताकि जब आपके एग्जाम में संशय हो तो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं। तो बच्चों पहले हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें, यानी कि ए जैसे अर्थ वाले शब्द। जैसे बादल है तो बादल का पर्यायवाची होगा मेघ, जल, घटा। क्या होगा? मेघ, जल और घटा। उसके बाद है बच्चों कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा पंकज, नीरज, राजीव। क्या होगा? पंकज, नीरज, राजीव। उसके बाद है बच्चों पुष्प। पुष्प यानी कि फूल, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा फूल, कुसुम, सुमन। क्या होगा? फूल, कुसुम, सुमन। उसके बाद है ईश्वर। ईश्वर का होगा अल्लाह, भगवान, ईश। ईश्वर का होगा अल्लाह, भगवान, ईश। इसके बाद है तलवार। तलवार का पर्यायवाची शब्द होगा खड़ग, कृपाण, अस्त्र। क्या होगा? खड़ग, कृपाण, अस्त्र। तो बच्चों निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द मैंने लिखवा दिया। अब आप लोग विलोम शब्द पर ध्यान देंगे। विलोम का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे प्रकाश, प्रकाश यानी कि उजाला। प्रकाश का विलोम होगा अंधकार। ज्ञान, ज्ञान अज्ञात। मित्र, मित्र का शत्रु। पूर्व, पूर्व का पश्चात। वाचाल, वाचाल का मुख। ज्ञान, ज्ञान का अज्ञान। स्वर, स्वर का नरक। और आदर, आदर का होगा अनादर। तो आप लोगों ने विलोम शब्द को भी देख लिया। अब हम लोग आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनके लिए एक शब्द लिखें। जैसे जो कपड़े धोने का काम करे। हम सभी जानते हैं कपड़े धोने का काम कौन करता है? धोबी। जो गाता हो, गायक। अभिनय करने वाला, अभिनेता। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जो चित्र बनाए, चित्रकार। तो बच्चों आपका वर्ग 5 पाठ 4 आज ही समाप्त होता है और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं हमारे बच्चों ने इसे अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा और याद करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।